नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बरेली जिले की। इस समय जो है बरेली के सुरेश शर्मा नगर में मौजूद हैं, जहां पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में पूनम पंडित इस समय कार्यालय पर पहुंची हुई हैं, जो कि पैनी नज़र सामाजिक संस्था है। यहां की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्रीमती जो है सुनीता गंगवार जी हैं, वो इस समय जो है जनता के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और उनकी लगातार क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पकड़ बनी हुई है और उनकी जो है लगातार प्रशंसा हो रही है। उनके कार्यों की जो जनता प्रशंसा कर रही है उसे देखकर तमाम नेता और संगठन जो हैं उनके पीछे जो है पड़ गए हैं, किसी तरीके से उनको प्रेरित किया जाए। लेकिन यहाँ जो है सुनीता गंगवार जी हैं, उन्होंने एक और शक्ति बाण जो है अपनाया है, जो कि पूनम पंडित हैं जो यहाँ पर जो है पहुँची हुई हैं बरेली में और कुछ ही देर बाद यहाँ से टिठोरा पहुँचेंगी, जहाँ पर उनके किसान जो हैं उनसे सैकड़ों किसान उनका सम्मान करेंगे और उनको जो है सम्मान प्रदान करने के बाद वो नवाबगंज पहुँचेंगी और नवाबगंज पहुँचकर जो है वो एक किसान सभा को संबोधित करेंगी, जहाँ पर जो है किसानों की दिलों की धड़कन माने जाने वाली पूनम पंडित जी हैं वो जो है यहाँ पहुँची हुई हैं और कुछ ही देर में जनता को संबोधित करेंगी कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और किस तरीके की समस्याएं हैं, कैसे उनका समाधान किया जाए, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या उनको परेशानी है, ये सब जानने के लिए वहाँ पहुँचेंगी। साथ ही में उन्होंने बताया है कि वो महिलाओं और किशोरियों की जो साथ में दुर्घटना घटित हो रही है उस पर भी जो है अमल करेंगी और उनकी जो है अमल पर जो है कार्य करेंगी। उन्होंने बताया है कि आज तक जो जितनी घटनाएं हुई हैं प्रदेश सरकार में महिलाओं और बच्चियों के साथ में बहुत ही शर्मनाक हैं, इस पर जो है प्रदेश सरकार कोई भी जो है इंतजाम नहीं कर रही है और ना ही कोई भी कदम ठोस कदम उठा रही है, जिससे लगातार घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक जो है आपने देखा है कि यहाँ पर जो है महिलाएँ जो हैं कितनी सुरक्षित हैं, ये जो है उन्होंने बताया है और आप दिखाते हैं हम आपको जो है एक पूनम पंडित जो हैं वो भी एक महिला है और वो एक नॉर्मल गाड़ी से यहाँ पहुँची हुई हैं और ना ही उनके साथ में कोई सिक्योरिटी है और ना ही प्रदेश सरकार द्वारा उनको कोई सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, जबकि वो इंटरनेशनल शूटर भी हैं और किसानों की नेता भी हैं, दिलों की धड़कन भी गाई जाने वाली हैं, प्रदेश और भारतीय स्तर पर भी जो अभी तक जो है बॉर्डर पर भी जो है किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही हैं लगातार और आगे चल रही हैं। उन्होंने बताया है कि लगातार हम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई है हम कराएंगे और महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। प्रदेश सरकार ये जो कुछ भी ना कर रही है उसके लिए बहुत वो कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उन्होंने ये भी बताया है कि मैं किसी संगठन और किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जनता की सुन के यहाँ तक पहुँचती हूँ और जनता की आवाज़ मेरे कानों पहुँचते ही मुझे रहा नहीं जाता है, मैं वहाँ जो है पहुँच जाती हूँ जहाँ पर उनके साथ घटना दुर्घटना घटित होती है। महिलाओं के लिए खास तौर से वो हमेशा तैयार रहती हैं रात दिन एक करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। कैमरा मैन जसमल्ला बरेली। काम देने निकलना पसंद नहीं करते, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे पर मुझसे ज्यादा बीमार होगा, मैं तो आपसे आप 8 घंटे बुलवाएंगे, 8 घंटे अपने से बातचीत करने के लिए बोलेंगे तो भी मैं कर लूंगी। आप ऐसे हटाएंगे एक्सरेस कराएंगे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री भाई अच्छे से जैसे सरकारी कर्मचारी पुलिस की फायर बैंक से फौजी रिटायर होता है तो बैंड बाजे के साथ में विदाई दी जाती है, आपको भी वही करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तब तक वही करते रहिएगा जब तक आप अपने कर्म को पूरा न कर दें। महंगाई हाय, पहले डार्लिंग लगे थी ना, पहले अब लगती है डार्लिंग, पहले महंगाई लगती थी, उल्टा हो गया। लेकिन किसान आंदोलन हुआ बिलों के ऊपर, किसान को दुखी करा बिलों के ऊपर, युवाओं को दुखी करा, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, युवा साथी मेरे देश का भविष्य बहुत ज्यादा आया हुआ है। अब ये सबसे दुखी है क्या, युवा रोजगार मांगे तो बोलते हैं शांति नहीं रहने देते, किसान सम्मान मांगे बोलते हैं शांति नहीं रहने देते। पाकिस्तान से आए क्या, पाकिस्तान से तो नहीं कोई दवाई,
पुलिस डिपार्टमेंट की वोट आए वो जरूर जांच कर लीजिएगा, है ना। पाकिस्तान से तो नहीं हो। अब इन 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 बातों में समय खराब करने से बेहतर होगा और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने से आवाज उठाने वालों से बेहतर होगा कि आप अच्छी नीति बनाए जनता को सपोर्ट करने की। ये सोचे दिन रात की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये सोचे दिन रात की लड़कियां कैसे सुरक्षित होगी, शिक्षा की खुशबू कैसे आएगी, ये सोचे। खाली पद भरे हुए हैं वो कैसे भरे जाएंगे। गाँव में पहले आदि में नजीक रहो साल का नौकरी पे ड्यूटी पे देते हैं, जो कम पढ़ा लिखा फैक्ट्री में ताले लटका रहते हैं, ऐसा ही है सिस्टम बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने सोचा कि पूरे देश की जनता ही मुझे मुझे पता था मुझे पूरे देश की जनता सपोर्ट करती है चंद लोगों को छोड़ कर गए, लेकिन लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी वाले भी खड़े हुए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा। सरकारें भी सपोर्ट कर रही है भाई, देख कर खुशी होती है। इसका मतलब सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। नवाबगंज में देखिए ये मंच लगा हुआ है सामाजिक संस्था जो है पहली नजर का, उनकी समस्त टीम का धन्यवाद करती हूँ और एक बात की देर करती हूँ। मैं यहाँ जनप्रतिनिधि प्रोग्राम ले आई हूँ, जनता का जागरूक अभियान ले आई हूँ, संस्था का वो लगा हुआ है, इसको किसी पार्टी से न जोड़िएगा। जिस दिन मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करूंगी चोरी छुप नहीं करूंगी, मैं डंडे की चोट पे करूंगी। जिसको पहले आप सपोर्ट करोगे मैं बाद में उसको सपोर्ट करूंगी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता पहले सपोर्ट करेगी और जिसके अंदर ताकत होगी पूरी बराबर की टक्कर ले लेगी उसको सपोर्ट करेंगे। कमजोर आदमी को सपोर्ट करेंगे लेकिन उसको करेंगे जो सरकार से दुखी है, जो अधिकारियों से दुखी है। मेरे भाई रेशम सिंह आए हुए हैं, पहली बार बरेली गांव के लिए आए थे, उन्होंने स्पेशल बोला कि बहन आपको ये बात जरूर बोलनी है। चलिए बोल देती हूँ, पुरानी बातों को उठाकर ही तो सिलसिले सारे चल रहे हैं, सारी चीजें पुरानी उठाई जा रही है। पहली देश में ऐसी सरकार है ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उन्होंने बोला था उनका मेडिकल जो था एनएच का हॉस्पिटल का जो मेडिकल कराया था प्रशासन उसको नहीं ले रहा था। पहली नजर संस्था सुनीता गंगवार जी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने धरना भी किया था उनके लिए। तो मैं आई, मुझे पता चला कि एक बहन भाई को सपोर्ट कर रही है। मेरा लखीमपुर में प्रोग्राम था लेकिन एक दिन पहले मैं स्पेशल इनके लिए आई, कैसे ऐसे बात है फौजी के साथ में, क्या चीज है किसान है जवान और कहा धरो और कुछ ना पिता रहे हैं, इन दोनों के पीछे लगे रहो, इनके सम्मान के लिए लगे रहो। युवा है वो तो किसानों के बालक ही है ना, छोरी है ना किसानों की छोरी, और जो किसान है और जो जवान है वो किसानों के बालक है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में भी हो जो देश की सेवा देते हो उनके साथ। अज्ञात में हुए कि गाड़ी भर भर के गए जमानत पे छूटे, किस बात पे हुए आपको पता है, कोरोना के प्रोटोकॉल तोड़े। मुख्यमंत्री जी उस दिन वहां पे आए, कितनी भीड़ अपनी गैंग लेकर आए, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पे भी हुआ ये मुकदमा, फिर वे मुरादाबाद आए, क्या उन पे यहाँ भी हुआ ये मुकदमा। मैंने एक बेटी को सपोर्ट करा मुरादाबाद में, मेरे मुकदमा लगा दिया पूनम पंडित ने, क्यों सपोर्ट करा। क्या एक बेटी को सपोर्ट करना, एक पीड़ित को सपोर्ट करना, ऐसा कभी पहले सरकार में हुआ कि आप मुकदमे ले लेकर जाइए भैया प्रसाद में, ठीक है नहीं हुआ ना। जी बिल्कुल, देखिए जो जनता की नहीं सुनेगा, जो किसान का नहीं वो देश का नहीं, ठीक। किसान से देश चलता, किसी नेता से नहीं चलता। किसान भीख नहीं मांगता दूसरे को पेट भरकर, जो देश की जनता का नहीं राजा का काम होता, जनता की बात सुना, युवा साथियों के नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, कितने नेता, क्या मुरादाबाद में नेता नहीं है बीजेपी में, किस बेटी का उसका इन्होंने उठाई मीनाक्षी लेके दिल्ली में सांसद बीजेपी की, एक बेटी का 6 साल की वाल्मीकि समाज की का बलात्कार करके जला दी, छोटे छोटे से प्यारे हम भी वहाँ गए, मीनाक्षी लेखी जी का घर तनक सी दूर तनक देखने मिली, उस माँ को हौसला बढ़ाने मिली, क्यों तो ऐसी सरकार थोड़ी चाहिए, ऐसे नेता थोड़ी चाहिए। तो आपके पास विकल्प क्या है, क्यों विकल्प नहीं, आप विकल्प नहीं है राजीव जी, क्या ये मेरे भाई विकल्प नहीं है, क्या इनको ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, क्या कमी है इनके अंदर जो देश नहीं चला। संगठन के तौर पर क्या है, कोई पार्टी है आपके पास, देखिए 2000 सुन लीजिए 2014 में आप जिनको हमने कभी चुना नहीं, आप उनको कैसे गलत कह दोगे, जिन लोग हाँ पॉलिटिक्स में जिनको हमने कभी चुना नहीं
आप उनको उनका पहले इल्जाम कैसे लगा दोगे? जनता के दिमाग में ये कूट कूट के भरा जा रहा कि जनता के पास विकल्प नहीं है सिवाय मोदी जी के। क्या मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए? समय के आधार पर प्रधानमंत्रियों की मुख्यमंत्रियों की मृत्यु हो जावे, किसी की डेथ करवा दी जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई बीमारी सूच चले जाती है परमात्मा के घर पर, क्या उसके बाद में विकल्प नहीं होता? नहीं तो अरे ये पद सू इस्तीफा दे, विकल्प देखना देश में मैं कितने दिखा दूंगी आपको भाई। कोई पार्टी है, कोई पार्टी राजनीतिक, देखिए राजनीतिक पार्टी बतेरी नई पार्टी है जिन्हें हमने मौका नहीं दिया, पुरानी पार्टी है, मायावती जी ने भी बतेरा काम करा, किसी अपनी गलती चूक के कारण वो चली गई। मुख्यमंत्री अखिलेश है, उनके फादर साहब ने काम करा नहीं करा इतना मुझे नहीं पता, उनके जमाने में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने अखिलेश जी को उनके जमाने में भी हुआ काम, और हमने जयंती जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ठीक, जयंती चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, प्रियंका जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बनाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो विकल्प नहीं है और उनको नहीं ऑप्शन? कांग्रेस पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी रही है, बसपा भी रही है, देखिए समस्याएं होती है जब पावर में आदमी आ जाता है समस्या करता है, लेकिन शर्म ये थोड़ी रह जाती है किसी किसी में। इनके यहाँ कितनी है आप मुझे बता दो, ये कितनी सारे लोगों को देख चुके हैं, तो ऐसे में क्या कोई नए विकल्प का समर्थन करेंगे आप? हमने सारे लोगों को नहीं देखा, नया विकल्प अगर आता है कोई अच्छा विकल्प समाज में निकल कर आता है तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। मैंने प्रियंका जी को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखा, मैंने जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखा, मैं कैसे कह दूंगी उन पर इल्जाम लगा के कि वो अच्छे हैं? चार पांच विकल्प हैं, ये मेरे पास विकल्प भी आपके सामने चार पांच विकल्प हैं समाजवादी तो यूपी में सरकार बनाने के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो आप किसको बेहतर मानते हुए किसका समर्थन करेंगे? बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है? देखिए चुनाव में अभी पूरा टाइम है, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छा बेहतर होता है तब जब हम कुछ पढ़ करके बैठते हैं किसी के बारे में, पूरी डिटेल अखिलेश जी की सरकार की भी निकाली जाएगी, पुराने समय में आरएलडी की भी सरकार रही उनकी भी निकाली जाएगी, बसपा की भी निकाली जाएगी, कि देखा जाएगा किसके कार्यकाल में कितने काम हुए, फिर मैं उसको सपोर्ट करूँगी। अगर तीनों में ऐसे ऐसे हो गया नहीं किसी का बेहतर कुछ लगा तो नया विकल्प चुन करके ले जाएंगे, अच्छा सा लेकर आएंगे। कोई राजनीतिक दल बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बना सकते, हम इनका बनवा देंगे, इनका बनवा देंगे, राशि जी ये अच्छी नहीं तो करेंगे काम, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो इनका बनवा देंगे, इनका बनवा। आपके पास समय कम है, दो तीन महीने बचे हैं, दो तीन महीने ना भी कई बचे, चार महीने बचे हैं, फरवरी में 8 महीने में 2013 से पहला देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं जानता था, ये पता था कोई गुजरात के मुख्यमंत्री, वो भी चुनिंदा लोगों को, ठीक, 8-10 महीने के अंदर लोगों को पता चल गई थी कि कोई आ रहे हैं या आ रहे हैं, 4 महीने में ऐसा गदर मचाया था पूरी मीडिया ने, अब 100 ग्राम अफीम पफीम जी का हो नशे पसे किसी, जब वो टीवी पर सारे दिखा रहे थे, पूछता है भारत यू थूकता है भारत, अब तेरे का भाई अब क्यों नहीं पूछ रहा, इतनी एयरपोर्ट पर मिली वहाँ मिली, पूछना चाहिए, दोगलोपन नहीं होना चाहिए। अगर नया विकल्प अगर नए को लेकर आएंगे सपोर्ट करेंगे, अगर तो इनको कह रहे हो आप इतनी ईमानदारी से काम करती आप पार्टी बनाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, बहुत पार्टी बनाइए आप अपनी पूरे अच्छे से चलाइएगा अपनी पार्टी बनाइए। माना जाए पूनम पांडे जी अब बहुत जल्दी कोई राजनीतिक कदम उठाने जा रहे हैं। देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ती, स्वयं नहीं लड़ेंगे लोगों को, मैंने पहले राजनीतिक मंच पर आई है, देखिए मैंने पहले ही बोला है अगर कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा मेरी बहन कोई ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी, ठीक है, कोई ईमानदारी से अगर काम करेगा देखा जाएगा क्षेत्र में, अगर आप अपने देखोगे मुझे बरेली का कितना पता है कि कौन यहाँ का एमपी बढ़िया है, अगर कोई एमपी यहाँ का बढ़िया है तो आप उन्हें सपोर्ट करिए, कोई नहीं है बढ़िया दूसरी पार्टी को करिए, नहीं दूसरी पार्टी को करना चाहते तो एक सभी के, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में मेरे प्यार करने वाले आशीर्वाद देने वाले लोग नहीं है, इनके नहीं है प्रदेश में, तो एक नई पार्टी का गठन ऐसे लोगों से अच्छे लोगों से किसान नेताओं से या युवा साथियों से कराएंगे, अगर हमें लगा तो, अगर नहीं लगा तो देख लेंगे, इतनी बार सरकारें देखिए जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना के देख लेंगे, प्रियंका जी को देख लेंगे, या फिर से अखिलेश जी को बना के देख लेंगे, मायावती जी को बना के, समय है अभी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी से हूँ तो मैं इसलिए क्लियर नहीं करूँगा। अगर आपने मान लीजिए चार बीएसपी समाजवादी पार्टी तो क्या इस पार्टी के साथ सीधे खड़े होंगे या फिर उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं जब सपोर्ट करूंगी मैं पूरा खुल के सपोर्ट करूंगी, डंके की चोट पे नहीं, पार्टी में शामिल होगा। देखिए पार्टी में ना मुझे कोई पद चाहिए ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, पार्टी में सपोर्ट करना एक कार्यकर्ता भी सपोर्ट कर सकता है, या बिना कार्यकर्ता के भी अगर निष्पक्ष आप काम कर रहे हो तो आप बिना कार्यकर्ता के, देखिए मैंने किसान आंदोलन को सपोर्ट कर यूनियन वहाँ शुरुआत में, मैं किसी यूनियन से नहीं,
तो क्या मेरा सपोर्ट, मेरा जो समर्थन था वो व्यर्थ थोड़ी गया? पूरी आवाज अच्छी हुई, बुलंद हुई, मुझे इस बात की खुशी है। फिर इतनी लड़कियाँ बोलने लगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगी, यूथ बोलने लगा। मेरे से पहले कितना यूथ बोलता था वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मेरे बाद कितना यूथ बोला, कितने आंदोलन में मजबूती मिली मेरे जैसे युवा के जाने से और भी लोग फिर आने से, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो अगर हम बिना पद के बिना पार्टी ज्वाइन करें भी किसी को सपोर्ट करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बड़ा भाई उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार कार्रवाइयों पर कड़ी कार्रवाई। चलिए धन्यवाद पहले तो आपको कड़ी कार्रवाई कहने के लिए। हाँ जी ठीक है, और उसके बाद जितने भी दंगाइयाँ जेल के पीछे नजर आ रहे हैं और दंगा करने से पहले सोचते हैं कि कहीं हमारी संपत्ति जब्त ना हो जाए, अच्छा इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा आपने बताया कड़ी कार्रवाई हो रही, भैया एक बात बताओ आप, जो ये इतने यूपी में ही हाथरस में उन्नाव में बरेली में ये वो चर्चे परचे हैं जो बड़े वायरल हो, ठीक, और ऐसे न जाने कितने जिनका आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, आवाज़ें दबा दी जाती है गरीबों की मजलूमों की, ठीक, हेलो इन पे कितनी कार्रवाई हुई, कितने वो लोग जेल गए, कितने उन बेटियों को इंसाफ मिला? मनीषा वाल्मीकि के लिए बॉर्डर से आवाज उठाई मिलने नेता गए कि उस बहन को मतलब जरूरत तो है इस अस्पताल की ही, लेके कौन सा वो सफदरजंग गर्दन चुका कौन सा इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद एम्स क्यों नहीं लेके, बेड खाली नहीं। एक नेता के खांसी आ जाती है तो पूरा स्टाफ लग जाता है, क्या गरीब की बेटी के लिए एक इतनी हालत गंभीर उसकी बेड खाली, नेता का बेड नहीं दिया जा सकता हो? तो आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो सोचते ये सोचते, ये जिन लोगों को इन्होंने दुखी करा होगा वे थोड़ा दुखी महसूस होते होंगे, जो इन लोगों से ज़्यादा इनको तकलीफ उनसे होगी, ठीक, बाकी कितनी चैन खींच खींच के भागे तेरे चर्चे पर्चे आप भी देख लेना। अब पूरी डिटेल में मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, रोज आए दिन का काम है। 5-4 दिन पहले व्हाट्सएप आ रहा था, 6-7 साल की बेटी का वो हो गया, मैंने कहा पहले इसका पूरा पढ़ेंगे कितना सच है उसे जानेंगे फिर उस पर बोलेंगे। तो चले मैं आपसे जानना चाहेंगी यूपी की सरकार है और यूपी बैठे हुए कुर्सी पर और उसके बावजूद कुर्सी का सारा रगड़ा किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही, खुलेआम लड़की को छेड़ा जा रहा है। अभी भाई कह रहे हैं कि मुकदमे हो रहे हैं, जेल जाने से डर रहे हैं, योगी जी से डरते हैं, अभी भाई कह रहे हैं आपके सामने आपके पत्रकार साथी, वही बात है ना, तो वही तो बता रही हूँ कि कितने लोगों का देखिए जो हाई लेवल के वो थे जिनके उसमें पार्टी में ये संबंध होते उनको कर दिया साइड, लेकिन जो सड़क पर लड़कियाँ चलती हैं उनके साथ छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होते हैं, उनका क्या करा? हम ये जानना चाह रहे हैं, ये पूछना है। अच्छा अगर सारा हमारा इलेक्शन अगर हिंदू और मुसलमान पे केंद्रित कर दिया बीजेपी ने, फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है बहुत बेहतर, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बेहतर लगेगा, मेरे पास है बेरोजगारी की, ठीक, हम शिक्षा के लिए लड़ेंगे, शिक्षा को बुलंद करेंगे, हम सरकारी संस्थाओं को मजबूत कराएंगे ना कि प्राइवेटों को, हम किसानों के लिए लड़ेंगे, हम बहन बेटियों के लिए लड़ेंगे, ठीक, विकास के नाम पर वोट करवाएंगे और विनाश के नाम पर नहीं करवाएंगे। मतलब आप बीजेपी के खिलाफ रहेंगे पूरे टाइम तक? भैया एक बात सुनिए, मैंने अभी भाई ने ही सवाल करा राजीव भाई जी ने, तो मैंने उनको तुरंत बताया कि मैं नीतियों के खिलाफ हूँ और हद से ज़्यादा हूँ। बहुत देखिए ये समस्या ऐसी, बाहर निकले आंदोलन सपोर्ट करा, वहाँ से जब बाहर निकले गाँव में जा करके हम लोग गए हुए तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, इतनी थी सुन सुन के पसीने आ जा, मैं समस्याएं केवल 7 साल में ही आई हैं कि पहले से? देखिए हद से ज़्यादा तो मुझे साथ में दिखी है, बाकी आप रिकॉर्ड निकाल लें मैं भी निकाल लूँगी भाई जी। ठीक है ठीक 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 आपका जो मतभेद उत्पन्न हुए थे वो खत्म हो गए बरकरार? आपको किसने कहा कि मेरे टिकैत जी से मतभेद? सोशल मीडिया और क्या मैंने एक भी बयान ऐसा दिया? आपने नहीं दिया लेकिन नाराजगी की कोई बात सामने आई है। कुछ लोग अपने आप को पी के युवा बताते हैं और वो वहाँ पे मेरे जैसे युवा को रोकते हैं, मुझसे ही तकलीफ मानते हैं कि उन्हें पता आंधी है उसको रोको। अब रोकने के लिए बहुत बार कोशिश करी गई 10 जनवरी से, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही कोई चीज़ हो रही है, लेकिन हिम्मत और हौसले से मैं पूरे भरपूर हूँ, ठीक, तो मैं पूरा गिर करके उठना संभलना मुझे अच्छे से आता है, किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैंने फिर उनसे इस विषय में बात की तो उन्होंने बोला कि बेटा ये लोग गलत बताते हैं बीजेपी, ठीक, बाकी जितने चेहरे बेनकाब होंगे आंदोलन को पूरा होने के बाद करवाए जाएंगे, मैं सभी को पहचानती हूँ अच्छे से, सबकी रिकॉर्डिंग्स मेरे फ़ोन में, अगर मैं मर भी जाऊँगी तो मेरे फैमिली वालों के पास है, मेरे वकील के पास है, चेहरे उनके बेनकाब मेरे मरने के बाद भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल मैं देश में शांति चाहती हूँ और फिलहाल जो इतने बेरोजगारी के मुद्दे, इतने महिलाओं के, देश में विकास के मुद्दे हैं, मैं उनको दबाना नहीं चाहती, जो मैं अपने मुद्दे को उठा चलती हूँ। क्या ये आरती बीजेपी को हारी पड़ने वाली है क्या? ये बात
करता हूँ उनसे पूछ के देखते, मुझे क्या पता मैं 25 साल की बालक हूँ भाई। अभी आपने अपने आप को आंधी कहा, और ये आंधी बहुत तेज चलती है, आंधी बहुत तेज चलती है, आंधी हवा को कोई रोक नहीं सकता, मेरा रुख उसकी तरह है क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करूँ, आप ईमानदारी से काम करो तो सीधा भगोगे। कितनी जांचें, कितना प्रताड़ित पुलिस से भी और नेताओं से भी, और जो ये अपने आपको बतावे इनसे भी, पता ना कितने एक लड़की से दुखी, इतने इतने इतनी इतनी उम्र के आदमी भाई जी क्या बात हो गई है, मतलब मैं हैरान हूँ। कभी कभी मैं अपने आप को शीशे में देखूँ तो मैं ये कहूँ मैं ही हूँ कि मेरे से परेशान इतने इतने लोग हाय जुलम। लोग ये जानना चाहते हैं आपके पीछे कौन राजनीतिक शक्ति है। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, और मैं शुरू से क्लियर करूँ, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि मैं किसी पार्टी से, क्योंकि जब मैं हूँगी नहीं तो मैं साबित भी नहीं। लोगों ने बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, एक फ़ोटो के साथ पूनम पंडित को बीजेपी ज्वाइन करवा दी थी, बीजेपी के नेता मुझे लग रहा मर गए दिखे सारे, वो भी पूनम पंडित से इतने डरा है कि नेता ज्वाइन करवा लेंगे, दीपर पर पोस्टर चिपका के करवा दिए ज्वाइन, इस तरीके की हरकतें करी गई बहुत ज़्यादा बदनाम करने के लिए। लेकिन जब कोई चीज़ है नहीं तो आप उसको निकाल, अगर इतनी होगी तो वो इतनी हो जाएगी, जब इतनी नहीं होगी तो इतनी भी नहीं होगी, ठीक है। अब उन्होंने ऐसी हरकतें की, बाकी मैं राजनीति पार्टी में मैं कुछ लोगों को सिर्फ ऐसे जानती हूँ कि ये लोग इस पार्टी में, बाकी मैं आंदोलन में जिस समय आई थी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, मेरे पूरे परिवार से, मैं चेहरे तक भी MP MLO के नहीं पहचान पा रही हूँ, जो हमारी पार्टी सत्ता में है ना उनके ना उनसे पहले वाले, मैं चेहरे भी नहीं पहचान पाती थी। और फिर मैं एक जगह कहीं गई, वहाँ पर कोई बैठे हुए तो मेरे भाई ने बताया कि मैडम वो बैठे हुए हैं नाम लेकर के किसी नेता का, मैंने कि भाई मुझे पहले बता दिए कौन से इस सारे से, कभी तो पूरा मान जाए कि भाई लड़की मेरे को क्यों नहीं पहचानती, तो मतलब मैं किसी चेहरे को भी नहीं पहचानती थी। अब कुछ समय से मैं पूरा देख लेती हूँ कि कहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या सिस्टम है या कौन नेता है, मैं इस तरीके से देख लेती हूँ। बाकी आज तक भी मैं पूरी अपनी लाइफ में, बहुत पहले जब तो मुझे ये भी नहीं पता राजनीति का रह क्या हुआ है, आंदोलन का ए क्या हुआ है, मुझे नहीं पता है। 14-15 साल की उम्र में मैं जयंत चौधरी से मिली, बहुत पहले वो छोटी सी अपनी दीदी के साथ में गई, 18 साल से बुरा लोग हैं, तो उनके साथ में मैं वो कहने लगी जब मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश जी तब मैं गई थी मेरठ में, तो उनको मैंने देखा पास से। उसके बाद अब आंदोलन में पंचायत में मैं उनसे मिली, उनके फादर साहब स्वर्गीय अजीत सिंह जी से मिली, फिर बहुत सारे नेताओं से मैं मिली, लेकिन पर्सनली मेरे किसी से वो नहीं है। 2012 के आसपास में मैं अखिलेश जी से एक बार मिली, लेकिन मैं ऐसे दूर से मैंने उनको देखा, उससे मैंने उस टाइम पर मोबाइल भी नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटो खींची, तो मैं करीब से किसी को नहीं जानती ना मुझे कोई जानता, लेकिन अब ये मेरे सौभाग्य की बात है, और सोशल मीडिया का दिल से धन्यवाद करती हूँ पत्रकारों का जिन्होंने मुझे कदम कदम पर सपोर्ट करा, कि मुझे मैं किसी को जानूँ पहचानूँ या ना पहचानूँ लेकिन मुझे लोग प्यार करते हैं। आखिरी में एक बात पूछना चाहेंगे, आप एक खिलाड़ी आप राजनीति में कदम रखे, राजनीति में करियर बनाना चाहेंगे? देखिए भाई जी मैं तो ये सोचती हूँ, मैं मतलब मेरा जो मानना है, बाकी भविष्य के घर में कहना आपको पता, मुझे नहीं पता परमात्मा की कसम की मैं आंदोलन जाऊँगी भाई, इतने ज़्यादा मुझे लोगों का प्यार मिलेगा, नहीं पता होती भविष्य में। अब आपको या मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे या चौधरी अजीत सिंह बनेंगे या प्रियंका गांधी बनेंगी, कौन बनेगी नहीं पता, मायावती बने किसी को नहीं पता, लेकिन जो मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल जो मेरे विचार है वो ये है कि मैं अच्छे अच्छे यूथ को सपोर्ट करूँ, आवाज़ें ज़्यादा होगी क्यों, मैं काम ज़्यादा कर पाऊँगी, ज़्यादा लोगों को अच्छे लोगों को लेकर आ पाऊँगी, अगर मैं अकेली इस काम को करूँगी तो फिर मैं सीमित हो जाऊँगी, सिर्फ मैं अपने लिए काम करता हूँ, मेरा ये खुद का पर्सनल है, बाकी भविष्य में क्या होता है मैं क्लियर कर दूँ, मैं 2022 में चुनाव नहीं लड़ूँगी, ये मैं 2024 में बाकी 24 का पता नहीं, 24 में लड़ सकती हैं आप? नहीं ऐसा तो नहीं, मेरे पास ये ना भाई इनके बिना कुछ नहीं, तो क्या ध्यान रखिए बिना इसके कुछ नहीं है, लोगों को कैसे लड़ाएंगे, लोगों को मतलब लोग लड़ने से बाजी आदमी तो ऐसे हैं, उन पर कुकू बिचारन पर पैसा, ईमानदार भी है चुनाव लड़ते, और बाजी आदमी ऐसे हैं कि जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें बहुत आप जैसे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि उन्हें सपोर्ट करेगा वो एक एक्सपीरियंस वाले होंगे, मेरे पास अभी एक्सपीरियंस कम है, यूँ तो देश भुगत रहा जो है मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पर जो है हमने ऐसे लोगों को वोट दे दी जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, यूँ तभी तो देश भुगत रहा, तो बिना एक्सपीरियंस वाले लोगों को नहीं जाना चाहिए, पहले एक्सपीरियंस ले लो बाकी जो होगा। मैम कई महीनों से जो है किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, अभी तक न्याय मिला नहीं है, क्या आगे आपको लगता है न्याय मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल लगता है मिलेगा, जैसे इतने आंदोलन चल रहा है इनकी सरकार है तो इसी बीच में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता उस समय में तो आंदोलन वाले आंदोलनकारी है, देश को आजाद कराने वाले लोग हैं, 36-36 साल आंदोलन चलाने वाली मेधा पाटकर जैसी खासू महिला आंदोलन के साथ जुड़ी है, तो वो इन्हें इस लाइन कर देंगे कि ये बिल वापस करने की स्थिति में ना होंगे, बदलाव कर देंगे, पलट देंगे सरकार, बात खत्म। जी ठीक है जी।